और कोरोना काल के बीच पंजाब में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। पहले दिन कैसा रहा हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में 5वीं से 12वीं तक रेगुलर क्लासेस की शुरुआत कर दी गई है। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है। इससे पहले भी पंजाब में क्लासेस चल रही थी, लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 3 घंटे के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन अब रेगुलर स्कूल चलेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं पंजाब के मोहाली के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। हमारे साथ इंग्लिश की लेक्चरर हैं इस स्कूल की, मैम वीना जम्मू। मैम, क्या क्या आप लोग ध्यान रख रहे हैं, क्या सरकार ने प्रोटोकॉल दिया जिसको पालन करते हुए क्लासेस शुरू की? बेसिकली जिहड़ा अज तो ही 9 रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई ने। वैसे तो पहले 3 घंटे की क्लास सी, पर अज तो जिहड़ा है 10 तो लैके 3 बजे तक जिहड़े स्कूलों लग्या करेंगे। तो जो भी COVID-19 दियां इंस्ट्रक्शन या जो प्रोटोकॉल ने उसे फॉलो कर रहे हैं। बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग उदा रखी जा रही है। उस तो अलावा जो स्कूल च बच्चा एंटर करता है पहला उन्होंने सैनिटाइजर दिता जाता है, हाथ बच्चे सैनिटाइज करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।